तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन आलू बिरयानी जो बिल्कुल बन चुकी है और इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो आइए देखते हैं चिकन आलू बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी बनाने की तमाम तरीका जो वो आज आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और जो न्यू मेंबर हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलें करते हैं स्टार्ट के बिरयानी कैसे बनती है। बिरयानी बनाने के लिए हम जो है चूल्हे पर कोई बर्तन रख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे, तो आइए देखते हैं कि ऑयल में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है बिरयानी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तब तक उसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसे थोड़ा देर थोड़ी देर दिमाग खराब हो रहा है। तो प्याज फ्राई होने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। तो तीन से चार मिनट तक आप इसका इंतजार करेंगे पकने का। तो अब दूसरे मसाला जात जो हैं जिसमें नमक 1 चम्मच, आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम जो है गोश्त वो डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। तो अब गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 प्लेट आलू भी डालेंगे। तो इससे चिकन आलू बिरयानी जो है वो पकेगी, बहुत ही मज़ेदार होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर आप 2 गिलास चावल पका रहे हैं तो इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे, तो अगर आप 1 गिलास पका रहे हैं तो इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी डाल सकते हैं, 1.5 से 2 गिलास। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो मैंने 3 गिलास पानी डाला क्योंकि मैं 2 गिलास जो है वो चावल पका रहा हूँ। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे अच्छी तरह धो के।
अब हम इसमें चावल डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा हलाने के बाद 15 से 20 मिनट ऊपर रखेंगे इसे चूल्हे पर। और 15 से 20 मिनट तक अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे रायते के साथ। तो बिरयानी का रायते के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी बनाने का तरीका आपको पता चल गया होगा, और नहायत ही आसान और जो है मज़ेदार रेसिपी है ये। तो आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें।